थर्टी फर्स्ट ब्लॉग राखी और शुभम जी का बर्थडे बोथ टुगेदर तो ये जो वीडियो था जो बैलूम फुला रहा था मैंने वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और थर्टी को तो ये थर्टी फर्स्ट का मॉर्निंग को उठ के हम लोग दुकान चला गया दुकान जाने के बाद राखी था तो फाइनली मेरा भाई आने वाला था घर में तो वो आ गया मैं भी घर आ गया राखी का प्लेट एकदम ब्यूटीफुल से सजा लिया उसके बाद ना उसको भूख लग रहा था तो मैंने उसके लिए थोड़ा ऑमलेट बना दिया क्योंकि वो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मैंने उसको बोला मेरा बहुत देर होगा क्योंकि मुझे नहाना है मैं तो काम करना है वीडियो शूट करना है बहुत कुछ करना है तो इसलिए मुझे मैंने उसको बोला तो खाना खा ले तो उसको मैंने खाना वाना खिला दिया उसके बाद मैं नहा लिया नहाने के बाद ना तो वीडियो शूट करना था उसमें उसने भी मेरा हेल्प किया उसके बाद वीडियो शूट कर लिया मैंने आ, जो कि आपका स्किन केयर वीडियो मेकअप वीडियो एंड गेट वेड विद मी वीडियो ये सब मैंने बना दिया आफ्टर डेट फाइनली उसको मैंने राखी पहना दिया पहनाने के बाद राखी मुझे जाना था शुभम जी के घर में तो पहले इसको राखी पहनाने के बाद उसने मेरा आशीर्वाद लिया क्योंकि ये क्या होता है ना एक रिचुअल्स होता है कि हम लोग का यहाँ पे लड़की लोग पैर नहीं है, लड़का लोग छोड़ता है तो उसने मुझे गिफ्ट भी दे दिया और फिर मैं निकल गया शुभम जी का घर के लिए तो क्योंकि आज उनका बर्थडे था थर्टी को तो केक करने के लिए जा रहा था मम्मी पापा के घर में उन लोग का तो यहाँ पे मैं जब भी जाता हूँ ना इन लोग का ये यहाँ पे मैं झूला झूलता हूँ बिकॉज आई लव दिस प्लेस ये मेरा फेवरेट प्लेस है मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे झूला झूलता उसके बाद हम लोग चला गया जाने के बाद घुस गया घर में जाने के बाद बहुत भूख लग रहा रही थी चल पहले खाना खा लेते हैं खाना वाना खा लिया उसके बाद ये इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है तो पहले तो बेंगलुरु में कुछ ऐसा होता है कि इन लोग को पूजा करता है रिच सो फैसिनेटिंग आई जस्ट लव इट इतना ब्यूटीफुल लग रहा था माम एंड डैड दोनों ने एकदम ब्यूटीफुली ब्लस किया एंड आफ्टर दैट मैंने भी किया गाइज एंड देन यहाँ पर जो केक था केक भी काटा केक काटने का टाइम है एंड यहाँ पर जो केक है ना वो उन्होंने अभी कट करेगा करेगा तो यहाँ पे केक कट कर लिया और मुझे भी खिलाया सबको खिलाया मॉम डैड को भी खिलाया सब को परफेक्टली खिलाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल के निकलने के बाद हम लोग जा रहा था शॉप में क्योंकि हम लोग शॉप में काम था लेकिन शॉप जाने से पहले हम लोग को जाना था एक आंटी के घर फिर से क्योंकि रात का जो बचा हुआ केक था वो मुझे खाना था गाइस तो जाने से पहले मैंने उनको बोला कि मेरा थोड़ा वीडियो बना दो झूला झूलते वक्त तो उन्होंने बना दिया वीडियो वीडियो बना के हम लोग निकल गए निकलने के बाद हम लोग आंटी के घर में पहुँच गया पहुँचने के बाद यहाँ पर भाई था तो मैंने बोला चल तो उसको भी राखी पहना देता हूँ बिकॉज उसका कोई बहन नहीं है तो मैंने सोचा उसको भी राखी पहना देता है तो मैंने राखी पहना दिया एंड ही वजूल साहेब से है पी उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गया फाइनली ये रहा केक एंड uh, उन्होंने शायद पाँच या छः केक काटा होगा गाइस उसके बाद हम लोग ना निकल गया निकलने के बाद घर पहुँच गया घर पहुँचने के बाद मुझे जाना था मूवी डेट में प्लस मेरे फ्रेंड्स लोग को भी पार्टी देना था तो इसलिए मैं जा रहा था रेडी होने के लिए लेकिन इतना कपड़ा ढूंढा इतना कपड़ा ढूंढा कुछ कपड़ा नहीं मिला यू you नो know, जिसके पास ज़्यादा कपड़ा होता है उसको ही कपड़ा नहीं मिलता फाइनली जाके एक कपड़ा मिल गया तो मैंने सोचा चल मिक्स मैच करके लगा लेता है उसके बाद मैंने उसका भी वीडियो बनाया लाइट वगैरह लगाया एंड आई वॉज रेडी रेडी होने के बाद हम लोग निकल गया क्योंकि मेरा फ्रेंड वेट कर रहा था तो यहाँ पे हम लोग जा रहा था ये मेरा घर का रास्ता है जो कि इतना शांत है लेकिन जब मेन रोड पहुंचे इतना भीड़ था फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गया मॉल में एक घंटा बाद मॉल में पहुंचने के बाद घूमा फिरा थोड़ा यहाँ वहाँ देखा उसके बाद हम लोग को जाना था पी वी आर जाके पूछा तो कोई भी मूवी अवेलेबल नहीं है अच्छा मूवी दस बजे के बाद अवेलेबल तो हम लोग पूरा नहीं वेयर ये मूवी का प्लान ड्रॉप करके हम लोग कुछ खाने चलते हैं जब हम लोग यहाँ से गया थोड़ा एक जो प्लेस होने वहाँ पर गया फिर फूड कोर्ट में लेकिन कुछ खाने का अच्छा नहीं था तो फिर मैंने उसको बोला चलो हम लोग निकल के कुछ अच्छा जो मॉल है वहां पर जाता है फिर दूसरा मॉल में जा चला गया जाने के बाद एक रेस्टोरेंट कम बार में गया था विच वॉज सो ब्यूटिफुल पहले तो नीचे में देख लिया फिर ऊपर जाके देखा ऊपर में तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत गर्मी था फिर फाइनली हम लोग जाके अंदर ए में बैठ गया बैठने के बाद मेरा खाना आ गया गाइस तो पहले तो ये है मॉकटेल जो कि है मैंगो एंड पाइन का कुछ टेस्ट था विच वॉज नॉट वेरी गुड आई विल वेट दिस फोर आवर ऑफ टेन एंड देन यहाँ पे आया था आपका बफेलो विंग्स जो कि आपका बहुत टेस्टी था जस्ट लव इट उसके बाद ये मैंने पहले भी खाया था लेकिन ये वाला बहुत टेस्टी था दिस टाइम उसके बाद मैंने ना सर्व कर लिया उस मेरे फ्रेंड को भी सर्व कर लिया मेरे को खुद के लिए भी सर्व कर लिया लेकिन उसका वाला प्लेट में थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने फिर से अपना प्लेट के साथ स्वाइप कर लिया आफ्टर डैट मैंने ना ये खाया इट वाज सो टेस्टी और वेट डिज नाइन आउट ऑफ टेन आफ्टर डेन यहाँ पे पिज़्ज़ा आया था जो कि पट्टर चिकन पिज़्जा पट्टर चिकन पिज़्ज़ा खाया तो विच वाज नॉट रियली टेस्टी तो इसको मैंने फिर से रिटर्न कर दिया एंड गाइज दैट्स वॉज माई थर्टी फर्स्ट एंड बहुत अच्छा गया दिन और बहुत अच्छा भी लगा गाइस एंड इतना था कि मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मेरा सेलफोन स्विच ऑफ हो गया था सो गाइस इट्स से मै नेक्स्ट वीडियो बैट